सर्दियों में तरह तरह की हरी भाजी मार्केट में देखने को मिलती है। इसमें से एक है चने का साग। जी हाँ, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको गांव में चने का साग कैसे बनाया जाता है उसकी रेसिपी देने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल कुकिंग विद पूनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस चने की साग की रेसिपी को जल्दी और कम टाइम में और बिल्कुल गाँव के जैसा बना करके कैसे तैयार करेंगे, जिसको बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, बहुत आसानी से बनता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है ये साग। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये साग लिया है, ये वेट में, यहाँ तो वेट से मिलता है, तो आधा किलो ये है, 500 ग्राम साग मैंने लिया है। तो मार्केट में ये कुछ ऐसे बड़े बड़े डंठल के साथ मिलता है, ये देखिए। तो इसमें से हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो इसकी सॉफ्ट पत्तियाँ हैं इसको हमको ऐसे तोड़ करके अलग कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, हम डंठल के साथ इसको अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा रेशे रहते हैं इसमें, और इस तरह से हमको सभी सॉफ्ट पत्तियाँ अलग कर लेनी है और जो टाइट डंठल है उसको हमको साइड में हटा देना है। तो सबसे पहले हमको यही काम करके रेडी करना है साग को, और इसी तरह से पूरा साग करेंगे। इसको करने में कम से कम 15-20 मिनट लगेगा हमको। और इसके साथ हमको एक काम और करना है, यहाँ पर ये चने की दाल है, तो यहाँ पर मैंने दो मुट्ठी ऐसे चने की दाल मैंने ली है। इसको हम पहले अच्छे से दो पानी धोएंगे और उसके बाद हम इसको भिगा करके कम से कम आधे घंटे के लिए या एक घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। तो जब तक ये दाल हमारी भीग के तैयार होगी तब तक हम चने का साग अपना साफ़ करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर दाल हम भिगा करके ढक के साइड में छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए, फिर इसको हम पीस करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, साग मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से, उसके जो पत्ते हैं बारीक वाले वो मैंने निकाल दिए हैं और डंठल मैंने अलग कर दिए हैं। तो अब इसमें कहीं कहीं कुछ रह भी जाते हैं, लेकिन ये मोस्टली हमने ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते निकाल लिए हैं इसमें से। तो इसको हम अच्छे से धो लेंगे और धो करके इसको हम उबालेंगे। उबाल करके साग बनाते हैं तो जल्दी बनता है। और यहाँ पर हमारी चने की दाल भी फूल करके रेडी हो गई। आप देख रहे हैं कि साइज़ में भी बड़ा हो गया है और हमारा जो बर्तन में हमने जिसमें भिगाया था वो भी पूरा भर गया है। तो इसको हमको पीस लेना है। और साथ में हमें ये, मैंने दो बड़े टमाटर लिए हैं, इन टमाटरों को हमें उबाल कर इसका छिलका निकाल करके इसकी प्यूरी बना करके रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों गैस पे बर्तन चढ़ा लिया है। यहाँ बड़े बर्तन में हम साग उबालेंगे और दूसरे वाले बर्तन में हम टमाटर उबालेंगे। तो यहाँ पर इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है और टमाटर को ऐसे बीच में कट लगा करके हम उबलने के लिए डाल देंगे, और इधर हम साग अपना डाल करके उबाल लेंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी साग को उबाल सकते हैं, उसको धो करके थोड़ा सा पानी डाल के एक सीटी कुकर में लगा लीजिए, उससे भी हो जाता है, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ इस तरह से। और इधर हमारा टमाटर भी उबल जाएगा साथ में और साग भी उबल जाएगा। थोड़ी देर में देखिए, साग हमारा उबल के बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, और थोड़ा सा चला लेते हैं इसको, और फिर बस अब इसको हम किसी भी स्ट्रेनर में निकाल के रख लेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको पीसेंगे। और हमारे टमाटर भी उबल करके रेडी हो गए हैं। तो साग हम इसे स्ट्रेनर पे निकाल लेते हैं, और जो इसका पानी बचा है इसको फेंकेंगे नहीं, हम आगे साग बनाने में या जहाँ भी ज़रूरत लगेगी यही पानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने थोड़ा तेल डाला है, राई का तेल डाला है मैंने, और ये जो चने की दाल हमने भिगाई थी इसको हमने पीस लिया है। तो पहले हम इस दाल को अच्छे से तेल में भून करके ले लेंगे। तो आप इस दाल की जगह अगर आप चाहें तो बेसन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो पहले आप कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के और बेसन लेकर के आधी कटोरी, और उसको भून लीजिए। जी मतलब जिस हिसाब से आपका साग है, कम है ज़्यादा है, उस हिसाब से थोड़ा आप बेसन उसमें भून करके डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और साग भी थोड़ा गाढ़ा सा बनता है। इस तरह से देखिए, हमने चने की दाल अच्छे से हमने भून ली है और ये दाल पूरी अलग अलग हो गई है बिल्कुल। और पहले इसमें थोड़ी गांठें बनती हैं, लेकिन आप चलाते चलाते उनको तोड़ते जाइए तो गांठें सब निकल जाती हैं। तो इस तरह से देखिए, इसको मैंने भून करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, और उधर हमारे टमाटर भी हो गए हैं तो मैंने उनको भी पीस करके रेडी कर लिया है। यहाँ पर दाल मैंने अलग बर्तन में निकाल ली है। अब उसी कढ़ाई में मैं फिर से तेल डाल रही हूँ, मैं राई के तेल में ही बना रही हूँ, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं।
तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हींग। साग में हींग का तड़का बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह से हींग मैंने डाल दी है साग तेल में। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जीरा, एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है। इसको भी हम तेल में डालेंगे और अच्छे से थोड़ा कलर चेंज होने तक पकने देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, यहाँ पर मैंने लिया है मिर्ची है, ये लहसुन है और अदरक है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं और लहसुन अदरक इसमें अच्छी क्वांटिटी में डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इस तरह से इसको तीनों चीज़ों को हम अच्छे से कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे, मतलब लहसुन का अदरक का कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए ताकि इसका फ्लेवर और अच्छे से खिल करके आए। और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तो बिना हल्दी के नहीं बनाना चाहिए खाना, थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालनी चाहिए। तो साग में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, तेल में ही हम इसको पका लेंगे। और उसके बाद हमने जो टमाटर देखी ये पीस करके रखे हैं, इसको भी हम यहीं पर डाल देंगे। मैं इस साग में कोई मसाला नहीं डालूंगी, हम जैसे गांव में जैसे बनाया जाता है साग, मैं उसी तरह से आपको बता रही हूँ। और मसाला डाल के भी आप बना सकते हैं, इसी के साथ आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, ये सभी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टमाटर को हम पहले अच्छे से पका लेंगे इस तड़के के साथ। और इसके बाद थोड़ा पकने के बाद हमने जो ये चने की दाल हमने जो भून करके रखी है वो हम इसमें डालेंगे। ये चने की दाल इस तरह से भून के डालने से एक साग में अलग सा सौंधापन सा आ जाता है। और हमने ये साग भी अपना पीस करके रेडी कर लिया है, तो ठंडा होने के बाद हमने साग को पीस लिया है। अगर आप बहुत बारीक बारीक काटे हैं तो नहीं भी पीस सकते हैं, इसी तरह डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसको ऐसे ही उबाला था तो मैंने इसको पीस करके लिया है। पीसने से थोड़ा और अच्छे से ये मैश हो जाता है और मिल जाता है आपस में, दाल और साग आपस में अच्छे से मिल के तैयार होता है। तो पहले हम इसको अच्छे से मिलाएंगे, और ये वही पानी है जिसमें हमने साग उबाला था, तो जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। और फिर अच्छे से इसको मिलाते हुए पूरा पानी अच्छे से मिलने तक मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें नमक डाला है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है साग में। साग ये बहुत टेस्टी बन के रेडी होता है, ये हर समय नहीं मिलता है, ये सर्दी के मौसम में ही थोड़ा एक दो महीने में ही दो चार बार ही मार्केट में दिखाई देता है। तो इसलिए इस चने की साग की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसको हम ढक करके थोड़ी देर के लिए पानी के साथ और हर चीज़ जो इसमें तड़का डाला साथ पका लेंगे। और इस तरह से आप देख रहे हैं ये उबलने लगा है, और इसको हम थोड़ा कम से कम 5-10 मिनट तक चलाते हुए बीच बीच में हम अच्छे से साग को अपना पका लेंगे, ताकि साग हमारा अच्छे से सभी चीज़ों का फ्लेवर साग में आ जाए और साग का फ्लेवर भी अच्छे से निखर के बाहर आए। और इस तरह से देखिए हम इसको ढक कर के पका लेंगे, अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए, तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा बिल्कुल देसी तरीके से चने का साग। आप इसमें मक्खन डाल के ज़रूर खाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो सर्दियों में साग तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में मार्केट में दिखाई देता है, तरह तरह के साग देते हैं, जैसे राई का साग, बथुआ का साग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये चने की साग की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में इस चने की साग की रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस हरे भरे साग की रेसिपी का मज़ा ले सकें। और फ्रेंड्स, इस साग को आप कभी भी आप लंच में या डिनर में या नाश्ते में भी आप साग के साथ पराठे बना करके नाश्ता ले सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई टेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।